मैं दूध पिया फ्रेश फ्रेश, ये गाय का केला खाने रखे। कबूतर आ गए, मुझे अंदर से डर भी लग रहा है कि मुझे कुछ कह ना दे। इसको देखें अब, मैं भी थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ सरगोधा रोड पे। अब मैं सेम पुल की तरफ जाने जा रहा हूँ और यहाँ एक है छोटा सा डेरा बनाया हुआ है, मैं उधर जा रहा हूँ। वहाँ उन्होंने घोड़ियाँ भी रखे हुए हैं, घोड़े बकरे भैंस उन्होंने रखी हैं और मुर्गियाँ भी रखी हैं उन्होंने, तो मैं उधर जा रहा हूँ। मुझे घोड़े की सवारी भी करनी है, मैंने मुझे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है। तो अब मैं सेम पुल की तरफ पहुँच गया हूँ। सेम पुल के पास अब मेरी दोनों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक नहर। अब मैं यहाँ मेरी राइट साइड पर एक कच्चा सा रोड बना हुआ है, यानी सड़क सी बनी है, रास्ता सा बना हुआ है। मैं उधर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से नीचे उतर गया हूँ। अब मेरी दोनों तरफ पानी खड़ा है। तो अब मैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ कितना प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ है माहौल। और यहाँ देखिए उन्होंने बकरियाँ रखी हैं। मुझे घोड़े की सवारी करनी है, मैं मुझे घोड़े की सवारी जो है मैं पहली टाइम फर्स्ट टाइम करूँगा। तो अब देख सकते हैं मैं अंदर पहुँच गई। वाओ, सामने भैंस है और ये बकरियाँ, दो छोटी छोटी बकरियाँ भी हैं और सामने मुर्गियाँ भी हैं, भैंसें भी हैं। वाओ वाओ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मुसन जफर अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुसन जफर अली व्लॉग्स। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। टिकटॉक पर न्यू मुसन जफर अली के नाम पे, उसे भी लाइक फॉलो एंड शेयर करना है। सरगोधा रोड जो है सेम पुल के यहाँ राइट साइड पे कच्चा रोड जाता है यहाँ से। वहाँ है चाचू आमिर दादी का डेरा है, वहाँ मैं आया हूँ। उनके पास घोड़े हैं, भैंस हैं, कबूतर भी उन्होंने रखे हुए हैं, तो बकरे भी उनके पास, मुर्गियाँ भी उनके पास, उन्होंने वो रखे हैं। तो आज मैं यहाँ घोड़े की सवारी भी करूँगा। मैं आपके साथ एक, मैंने कहा आपके साथ एक व्लॉग भी शेयर करूँगा। आप कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। और तबीयत से ठीक है? हाँ जी, आप ठीक हैं? बस शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है ये भैंस जो है चाचू आमिर की हैं, देख सकते हैं कितनी प्यारी हैं। यहाँ कितना प्यारा माहौल है, देखिए कितना ज़्यादा प्यारा माहौल। यहाँ से निकाल लो। मैं दूध पिया फ्रेश फ्रेश, ये गाय का मैं दूध पिया फ्रेश। ये जो गाय थी ना, ये जो गुस्सा हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे पहले टाइम पहले बात देखा ना इसने, मैं निकाला था जोर जोर लगा के। मेरा दूध जो है निकाला भी है और जो है पिया भी है। मुझे कब से यहाँ मज़ा आया इनके, ये भाग रही है, डर रही है मुझसे। ये मारती नहीं है ना, इसलिए मैं इससे प्यार कर रही हूँ। ये मारती नहीं है, मैं इसलिए इसको प्यार कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्यारी है ना, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है ये। ये कितना ज़्यादा प्यारी अच्छी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। वहाँ एक गधी बांधी हुई, देखो गधी, ये गधी रेडी जो है ये चलाएंगे, रेडी भी है ये गधी रेडी है, ये चारा लाने के लिए इस्तेमाल होती है ना। तो ये गधी जो है बीच में बांधते होंगे, इसलिए इसके बाद चारा लाते होंगे। इतना क्यूट सा हॉर्स भी है, ब्राउन कलर का, इतना ज्यादा प्यारा है हॉर्स है ये, ब्राउन कलर का। ये मुझे ब्राउन कलर का हॉर्स जाना बहुत ज्यादा फिर प्यार करूँ इसे, मुझे डर लगता है मुझसे काफी ज्यादा बड़े हो गया। पापा जो है बकरियाँ ही फिर रही हैं, देखे दो बकरी हैं, उनको ये भागे देखे डरेंगे, बस डरे ना ना बंदा फिर प्यार कर ले। वो भाग जाती हैं, पता नहीं क्यों भागती हैं, हमें इनको मारना भी नहीं होता, पता नहीं क्यों भाग जाती। मुझे तो अच्छी लगती हैं, मैं तो उनको कुछ कहूँगा भी नहीं,
फिर पता नहीं क्यों भाग जाती है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मुर्गा भी और मुर्गियाँ भी नजर आ रही होंगी। ये देखिए कितना प्यारा माहौल है ना देहात का। आपको पता है मेरी कमजोरी है यहाँ। पहले भी मुझसे डरे थे, अब मैंने इनको खिलाया है तभी यार मेरे पास आ गया। ये जो है इसको नहीं मिल रहा, ये सारे खा जाती है, ये बहुत ही है। देखिए कबूतर आ गए। सवारी करूंगा भी, बत्तल लगाई जा रही है, इसके ऊपर मैं यहाँ बैठूंगा। भी एक तल ही है, ये देखिए ये भी ऊपर लगा रहे हैं, तल लगा रहे हैं ऊपर। आप प्यारा लग रहा है। कुछ नहीं, ये भी मैं तल लगा रही हूँ ऊपर। यहाँ पर मैं अभी ऊपर एक और चीज लगाएंगे, उस ऊपर मैं बैठ। सीड कह दो आप इसके ऊपर, ये सीड डाल रहे हैं ऊपर, ये सीड डाल रहे हैं ऊपर, ये इसके ऊपर मैं बैठूंगा अभी, यहाँ बांधूंगा ऊपर, फिर मैं वहाँ पकड़ूंगा। अभी चेरा काब है, इसके ऊपर मैंने पैर रखना है कि सीट भी है और एक काठी भी लगाई है। ये देखिए यहाँ जो मैंने बैठना है ना जिसके ऊपर, उसे जीन बुलाते हैं और काठी बुलाते हैं। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर बैठूंगा, ये सीट सी बनाई है। अब ये बांध रहे हैं ऊपर इसको टाइट करके। ये इसलिए होता है कि सीट है ना अनबैलेंस ना हो, एक ही अपनी जगह पर, इसलिए बांध ऊपर लगाम लगा रहे हैं। ये देखें अब ऊपर लगाम लगाया जा रहा है उसके मुंह पे। हॉर्स जो है अब लगाम लगाने के बाद जो है हॉर्स या सवारी करवाने के लिए रेडी। हॉर्स या ब्लैक कलर का कपड़ा भी आ रहे हैं, लगाम ये देखें लगाम जो है वो लगा दिए। ये लगाम जो है ना लगा दिया, अब जो है हॉर्स जो मुझे कुछ नहीं कहेगा। मुझे अंदर से डर भी लग रहा है कि मुझे कुछ कह ना दे। मैंने पहली बार इसको, मुझे नहीं पता इतना कि ये मतलब मुझे कुछ कहता है नहीं कहता। एक मिनट एक मिनट इसकी लॉक से मैं आना रखता हूँ ना। लगाम यहाँ से छोड़ दूँ इसको भी नहीं होता रहेगा। डर आप कुछ तो लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, मुझे डर सा तो आया मुझे। घुड़सवारी वाकई में ही एक बहादुरी और शुजात वाली सवारी है। इसको देखें अब मेरी थोड़ा थोड़ा समझ।
अब यहाँ से मैं फिर मोड़ रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है अब तो, अब मैं कंट्रोल करने आ गया मुझे। तो सर हम बगी की सवारी है, मैं तो अभी डरा था, मैं फिर मोड़ रहा हूँ, देखते हैं मुझे अब आ गया है। वाह मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मुझे पहले बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यहाँ से मैंने फिर मोड़ा, अब मैं आगे जाऊँगा फिर मोड़ूँगा। मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे सीख भी गया हूँ थोड़ा, तो अब मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। टिकटॉक आईडी मुझसे ना फिर टू ना, उसे भी लाइक फॉलो एंड शेयर करना है। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।